मैं सिर्फ इतनी बात जानता हूं कि कसूर इस कोरोना वायरस का, कसूर इस वबा का, कसूर इस तकलीफ का, कसूर इस अजाब का मैं हूं। मैं बहैसियत इंसान, मैं बहैसियत कलमा दो, मैं बहैसियत उम्मत मोहम्मदी के नारे लगाने वाला, मैं एक उम्मती की हैसियत से कसूरवार हूँ। मेरे अल्लाह, मैं आपसे मुखातिब हूँ। मेरे अल्लाह, मेरी जान, मेरी जिंदगी आपके हाथ में है। मैं माफी मांगता हूँ, मैं आपसे माफी मांगता हूँ, मैं इस्तग़फ़ार करता हूँ। खुदा की कसम, दुनिया की कोई ताकत मेरा बाल देखा नहीं कर सकती जब तक कि मेरे अल्लाह का हुक्म ना हो। गलती मेरी है मेरे अल्लाह, गलती मेरे मुसलमान भाई बहनों की भी शायद है। ये गलती उम्मत मुस्लिमा की है, कसूर हमारा है, कसूर हमारी वजह से है, हमने आवाज नहीं उठाई इस हुक्म पर। हाँ अल्लाह, हम भूल गए कि तुमने हमें इस दुनिया में सिर्फ अपनी इबादत के लिए दे दिया था। अल्लाह, हम भूल गए कि जब इंसानों पर जुल्म हो रहा था तो हम अपने अपने कारोबार में लगे हुए थे। अल्लाह, हम भूल गए कि जिस वक्त B-52 के बम गिर रहे थे उस वक्त हम अपने घरों में शादियाने बजा रहे थे, अपने तकरीबात में मसरूफ थे। अल्लाह, गलती हमारी है, कसूर हमारा है। हम भूल गए कि जब रोजाना भूख से 8,000 बच्चे इस दुनिया में मरते हैं तो हम अपनी टेबल सजा करके 14-15 किस्म के खाने रख के फिर भी शिकायत कर रहे होते कि उसके पास इतना है, उसके पास इतना है, हमारे पास कुछ भी नहीं है। मेरे अल्लाह, मुझे लगता है कि आप नाराज हैं। खुदा की कसम, मेरा ईमान है कि आप नाराज हैं। मैं हाथ जोड़ता हूँ, मैं 1.5 अरब मुसलमानों की तरफ से अल्लाह हाथ जोड़ता हूँ, माफ कर दीजिए, आपने माफ नहीं किया ना। खुदा की कसम, कोई नहीं कुछ कर सकता। मैं माफ नहीं करूँगा। मेरे अल्लाह मुझे पता है, मेरे गुनाहों की सजा है। मेरे अल्लाह, कोई चीज मेरी आपकी मर्जी के बगैर नहीं होती। अल्लाह, मुसलमान भाई, इंसानियत का मैंने वो हाल किया, मैंने वो हाल किया है मिसालों में कि इंसानियत तड़प उठी सताम मजहब में। आपने अपने घर के दरवाजे बंद कर दिए हमारे लिए, आपने मस्जिदों के दरवाजे बंद कर दिए। इतना गुस्सा नहीं, मेरे अल्लाह इतना गुस्सा नहीं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे गुनाहों की सजा है। ये बस मुल्क हमने इस्लाम के नाम पर लिया, ये मुल्क हमने कुरान के नाम पर लिया, ये मुल्क हमने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर लिया। और आज इस मुल्क में अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा हर चीज हो रही है। अब हमने वो हुक्मरान चुने जिन्होंने हमारी बोटियां लोच ली, हमने वो हुक्मरान चुने जिन्होंने चोरियां करी। हमारे यहाँ से इंसाफ उठ के गायब हो चुका है। याद करें वो वक्त जब उमर फारूक का जमाना था कि जनाब एक औरत खड़े होकर सवाल कर लेती थी कि अरे उमर, तुम्हें तुम्हारे गनीमत से इतना कपड़ा नहीं मिला था कि तुम्हारा पूरा लिबास उसमें सिल जाए, आज तुम कैसे इतने लिबास पहन के खड़े हो। तो उस वक्त का अमीर, उस वक्त का शहनशाह, उस वक्त का बादशाह उस औरत को मुतमईन करके जवाब देता है। आज हमारे हुक्मरान जिनकी बेटी नहीं भरते, उनकी बेटी नहीं भरते, आज उनकी हालत हजारों गाड़ियां, हजारों मिल्कियतें, हजारों करोड़ों के अकाउंट, कसूर हमारा, अल्लाह कसूर हमारा है। हमने उनको चुना, हमें माफ कर दे, उनको भी माफी की तौफीक दे। या अल्लाह, जुल्म का निजाम है, मानता हूँ जुल्म का निजाम है। अल्लाह, इस जुल्म के निजाम को आप खत्म कर दे। अल्लाह, घर खोल दे। अल्लाह, मैं घर खोल दे, मैं हाथ जोड़ा हूँ। अल्लाह, मुझे सजदा करवा दे, मैं कलमा पढ़ते हैं। अल्लाह, मैं कलमा पढ़ते हैं। अल्लाह, मुझे पता है ये हाथ धो लो, ये नाक साफ कर लो, ये क्या ये लगा लो हाथ में, सैनिटाइजर लगा लो, ये सब कुछ अल्लाह, सब कुछ बिल्कुल ठीक है। लेकिन जो असल बात है वो ये कि मेरा मालिक नाराज हो गया है, मेरा मालिक कहर में है, मेरा मालिक गुस्से में है। अगर मालिक गुस्से में है तो फिर गुलाम कहा जाएगा, अल्लाह कहा जाएगा। मानता हूँ कि मेरी हजारों लाखों में गुना जाने पिछले कई सालों में हमने इस दुनिया में अपने सामने जाते देखी और हमारे कानों पे जू नहीं रहती, क्योंकि हमारा घर महफूज था, हमारी टेबल खाने की भरी हुई थी, हमारे पेट में खाना मौजूद था। आपने कहा कि ये क्या हो रहा है, आपने पूछा, हर दफा हमको अलामतें दी, हमें वेकअप कॉल दी, हमने नहीं सुना। आज जिंदगी उस दहाने पे ले आई है, उस जगह ले आई है कि हमें अपनी फिक्र से ज्यादा अपने बच्चों की फिक्र, बच्चों से ज्यादा उनके बच्चों की फिक्र है। लेकिन कोई किसी के पास इसका हल नहीं है। हम जिससे बात करने जाते हैं लगता है उसी से हम जरा सीख ले लेंगे। हम अपनी माँ से बात करते हुए डर रहे हैं, हम मस्जिदों के अंदर नहीं जा पा रहे, हम अपने बच्चों को गले लगा नहीं पा रहे। हमारे अमाल का नतीजा है, वो भी पता है।
قصور ہمارا ہے, جس وقت رو حملوں میں سینکڑوں مر رہے تھے, جس وقت پکڑ پکڑ کے ہم معصوم لوگوں کو غیروں کے حوالے کر رہے تھے, جس وقت کراچی کی گلیوں میں پانی کی جگہ خون کی ندیاں بہا کرتی تھی, جس وقت فلسطین کے اندر, سیریا کے اندر, یمن کے اندر سینکڑوں بچے ایک روٹی نیوالے کی ترس رہے تھے, ہمارے حکمران اور ہم خود اپنی تجوریاں بھر رہے تھے. اللہ میاں معاف کر دیجئے, معاف کر دیجئے, میں بتا رہا ہوں آپ کو, اللہ میاں خدا کی قسم کہاں پکڑ کے ہاتھ لگاتا ہوں, اللہ میاں آپ کے علاوہ میں سے کوئی نہیں بچا سکتا, کوئی ہاتھ سینیٹائزر, کوئی فیس ماسک, کوئی دوائی, انسان کی عقل جہاں ختم ہو گئی میرے اللہ کی قدرت وہاں شروع ہوئی, آپ کے علاوہ میں وہ کوئی نہیں ہے, اللہ کوئی بھی نہیں ہے, آپ ہی بچائیے, آپ ہی نے بچایا, آپ پہ عذاب نہ ڈالے, ہم اس قابل نہیں ہے, ہماری قبر بہت نازک ہے, ہم ڈوب جائیں گے, اللہ اس زمین پر اللہ اس کے رسول کا نام تو لیتے ہیں نا, اب وعدہ کرتے ہیں کہ ٹھیک ہو جائیں گے, یا آپ کا عذاب ہے اللہ, یا آپ کی طرف سے, آپ ہی معاف کریں گے تو ہم بچیں گے, میرے اللہ. آئیے میرے پیارے بہن بھائیوں, ہم اللہ کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں, اس کعبہ کی قسم دیتے ہیں, اس مقدس مقام کی قسم دیتے ہیں, اس نبی کی قسم دیتے ہیں, ان تمام شہداء کی قسم دیتے ہیں, اللہ کو واسطہ دیتے ہیں, اللہ کو, کہ اللہ ہمارے گناہ کو معاف کر دے, ہم نے ظلم کے خلاف آواز نہ اٹھائی, ہم نے ظالم حکمران اپنے پر مسلط کیا, ہم جھوٹ بولتے ہیں, ہم اپنے چھوٹے چھوٹے فائدے کے لیے دوسرے کو نقصان پہنچا دیتے ہیں, ہم رشوت دیتے ہیں, ہم چوری کرتے ہیں, ہم دھوکہ دیتے ہیں, لیکن اللہ اے دعا محمد کی امتی نا, اے دعا محمد سے پیار کرنے والے, اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني, یا اللہ تو معاف کرنے والا ہے اور معاف کرنے کو پسند کرتا ہے, اسی لیے مجھے معاف فرما.